तो कैसे हैं दोस्तों आप, मैं वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज के टाइम में भी दोस्तों गेम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे BGMI आज बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा है, पर वो सबके फ़ोन में डाउनलोड नहीं हो सकता, क्योंकि उस गेम को खेलने के लिए अच्छे से अच्छा प्रोसेसर कम पड़ जाता है दोस्तों। तो इसी के लिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लाया हूँ, जो कि ये है कि अगर आपका फ़ोन 10,000 के या 15,000 के जो अंदर एंट्री लेवल्स के फ़ोन हैं, उसमें भी आपको मैं ऐसे 5 गेम्स बताऊंगा जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो कि वो 100 MB से नीचे के गेम्स हैं या 100 MB के गेम्स हैं, जो आपके फ़ोन में बहुत आराम से चलेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो पे जानने के लिए कि वो 5 गेम कौन से हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, तो लेके हम आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हमको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट गेम्स। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर बुरी लगे तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 गेम जो है उसका नाम है ट्रैफिक राइडर। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हमें रेसिंग गेम्स बहुत पसंद रहते हैं, इनफैक्ट मुझे रेसिंग गेम्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। अगर मैं जानता हूँ आप भी इस ऐप के बारे में सुना होगा, इसका नाम है ट्रैफिक राइडर। इस ऐप में आपको मिल जाता है एक बाइक्स रहती है, उसको आपको ट्रैफिक के भाग दौड़ से हटाकर आपको फिनिश लाइन तक पहुँचना रहता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मोड्स मिल जाते हैं, बहुत सारी बाइक्स मिल जाती हैं अलग अलग तरह की, एक से एक अच्छी से अच्छी बाइक, उनके आप कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर इसमें सिनेरियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें गाड़ियां हैं, बहुत अच्छा इसका साउंड है दोस्तों। अगर आप इस गेम को खेलते हैं तो साउंड इफेक्ट इसके इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको लगेगा कि आप रियल बाइक चला रहे हैं। और इसके जो स्क्रीन और इसके 3D ट्रांजिशंस भी हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पूरा का पूरा गेम एक फुल ओवरलोडेड पैकेजेस है, जो कि बहुत ज़्यादा लगता है और देखने में दोस्तों ये रियल भी लगता है। तो दोस्तों, ये था नंबर 1 गेम जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैं इसे बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। इस गेम का नाम था ट्रैफिक राइडर। तो दोस्तों, दूसरा गेम बताने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आपको अपलोड करूं आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। पर ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, दूसरे नंबर का जो गेम है उसका नाम है एक्सट्रीम बैलेंसर। दोस्तों, कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग गेम्स अच्छे लगते हैं, कि एक बॉल रहती है उसको हर जगह ले जाना पड़ता है ऑब्स्टेकल्स पार करके, तो उसी तरह ये भी एक गेम है। एक बॉल रहती है, इसमें आपको उसको एक रास्ते के पानी से बचा के उसको उस बॉल को बोट तक ले जाना रहता है, और बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम दोस्तों। इसमें आपको बहुत अच्छे से इसमें ले जाना पड़ता है, थोड़ी सी भी अदल बदल होती है ये नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा इरिटेटिंग गेम भी लगता है बाद में, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए बहुत अच्छा गेम है दोस्तों ये। इस गेम का नाम था एक्सट्रीम बैलेंसर। दोस्तों, ये एक्सट्रीम बैलेंसिंग गेम है, बहुत अच्छा गेम है। अगर आपको गेम अच्छा लगे उसे डाउनलोड करिएगा, और इनमें से कोई भी आपको गेम्स अच्छे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, तीसरे नंबर का गेम भी एक रेसिंग गेम है। मैंने इसमें रेसिंग गेम इसमें 2 क्यों रखे, क्योंकि मुझे रेसिंग गेम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई एम श्योर आपको भी रेसिंग गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ही लगते होंगे। तो जो तीसरा गेम है उसका नाम है मैड स्किल BMX 2। दोस्तों, ये मैड स्किल BMX 2 जो गेम है, ये दोस्तों सही में बहुत ज़्यादा ही अच्छा गेम है। BMX आप जानते होंगे, जो मोटर क्रॉस रेसिंग बाइक्स होती हैं उनको BMX कहते हैं। तो ये BMX साइकिल या बाइक रहती है आपके पास, जिन्हें आपके ले जाके ऑब्स्टेकल्स पार पार करके आपको फिनिश लाइन तक पहुँचना पड़ता है। और दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं, बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन मोड्स हैं। ऑनलाइन के साथ आप खेल सकते हैं, 1v1 खेल सकते हैं, बहुत लोगों के साथ खेल सकते हैं ये गेम। और दोस्तों, ऑब्स्टेकल्स इसके पार करना सच में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल रहते हैं। तो मैं श्योर करता हूँ कि आपको ये गेम बिल्कुल बोर नहीं करेगा, आपको ये गेम बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा टाइम पास के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं इस गेम से ज़्यादा एडिक्टिव हो चुका हूँ, बहुत अच्छा गेम है दोस्तों ये। आप इसको अलग से अलग तरीके से खेल सकते हैं, ऑनलाइन मोड होते हैं, ऑफलाइन मोड्स होते हैं, इनमें हर एक लेवल होते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं,
और बहुत अच्छे अच्छे लेवल से और बहुत अच्छी ग्राफिक्स है दोस्तों इसकी। ये नहीं कि कोई बेकार ग्राफिक्स का गेम है, नहीं दोस्तों, इस गेम को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगी है। इस वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों जो चौथे नंबर का गेम है वो भी एक माइंड गेम है। दोस्तों मैं जानता हूँ माइंड गेम सुन के आपको उतने अच्छे नहीं लगे होंगे, पर ये गेम दोस्तों स्टडीज पे बेस्ड है। मैं जानता हूँ स्टडीज हमें और आपको करना उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आई एम सॉरी अगर कुछ लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। पर जैसा कि मैं बता रहा अपने बारे में कि स्टडीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती हैं, पर दोस्तों ये गेम स्टडीज से ज़्यादा अच्छा है, रिलेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों ये गेम में। दोस्तों ये पूरा गेम फिजिक्स पे बेस्ड है। दोस्तों इसमें एक बॉल रहती है, उस बॉल से आपको अपने सारे एनिमीज को किल करके अपने दोस्तों को बचाना रहता है। और वो इसका गेम का ये स्टोरी है कि आपके सारे दोस्तों को हैकर्स ने हैक कर लिया है, उनको कैद कर लिया है, आपको उन्हें बचाना रहता है। दोस्तों यकीन मानिए गेम बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है, बस इसमें थोड़ा माइंड ज़्यादा लगता है पहले गेम के मुकाबले। ये गेम थोड़ा सा ज़्यादा आपको इरिटेटिंग लग सकता है क्योंकि इसमें दिमाग का यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये इतना आसान भी नहीं है। स्वाइप टचेस करने पे बहुत बॉल इधर उधर कहीं भी चली जाती है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसकी ग्राफिक्स भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, ये नहीं कि बेकार ग्राफिक्स है दोस्तों, बहुत अच्छी ग्राफिक्स हैं, बहुत अच्छा रियल गेम दिखता है ये। तो इसे डाउनलोड ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा। हम आ गए हैं हमारी लास्ट गेम पे। ये गेम दोस्तों मुझे एक टीवी प्रोग्राम की याद दिला देता है, और जो कि जिसे मैं बहुत ज़्यादा ही देखता था, और उस गेम का नाम है स्टम्बल गाइस। और अगर मैं उस टीवी प्रोग्राम की बात करूं तो वो टीवी प्रोग्राम मैं दावा करता हूं आपने भी उसे कभी ना कभी देखा होगा, तकेशिस कासल, आपको वो गेम याद होगा जिसमें लोगों को ऑब्स्टेकल्स पार पार करके आखिर में जीतना पड़ता था। तो उसी की तरह मिलता जुलता ये बहुत अच्छा एक गेम है। दोस्तों ये गेम में आपको 50-60 लोग जो रहते हैं वो एक साथ स्टार्ट करते हैं, उन्हें ऑब्स्टेकल पार करते 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 स्टम्बल करते करते बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से जाते जाते आखिर फिनिश लाइन तक पहुंचना पड़ता है। दोस्तों ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत आपको हंसाएगा ये गेम, बहुत अच्छा गेम है। इसके कलर ज़्यादा अच्छे हैं, इसका साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, म्यूज़िक इसके पीछे वाला बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बीटेबल साउंड करता है, बहुत मज़ा आता है इस गेम को खेलने के लिए। जैसे तकेशिस कासल हम देखते थे हंसते थे, उसी तरह आपको भी ये गेम ये बहुत हंसाता है, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों कॉमेडी टाइप का ये गेम है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, एडवेंचरस गेम है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो जो थी वो फन वीडियो थी, मैंने आपको बताया ऐसे 5 गेम जो आप किसी भी फ़ोन में उन्हें डाउनलोड करके खेल सकते हैं, और ये दोस्तों किसी भी फ़ोन में बहुत ज़्यादा अच्छे ही चलेंगे क्योंकि ये अंडर 100 MB गेम है, और ये गेम दोस्तों बहुत ज़्यादा ही अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम है। फालतू ग्राफिक्स इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो मैंने आपके लिए लाई थी, बहुत ज़्यादा ढूंढ के ये गेम्स लाया हूँ मैं आपके लिए। तो इस वीडियो को हमारी इस वीडियो को बहुत प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारी इस वीडियो को कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो हमें कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगती। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि हमसे जुड़े आपसे सभी वीडियोस आपको डेली के अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार, मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों